Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. Ummeed karte hain aap sab khairiyat se honge. Today we are going to discuss the second type of sampling technique, that is non probability sampling. Maine apni pehli video mein non probability sampling ke bare mein bataya tha ki wo technique jisme some elements of the population have no chance of selection, yani ke kuch individuals ke paas koi chance nahi hota selection ka, या ये भी कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का, और इस टेक्निक में रैंडमाइजेशन नहीं होती। अब बात करते हैं टाइप्स की, तो इस टेक्निक की चार टाइप्स हैं। फर्स्ट कन्वीनियंट सैम्पलिंग, सेकंड कोटा सैम्पलिंग, थर्ड परपजिव सैम्पलिंग, फोर्थ स्नोबॉल सैम्पलिंग। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट टाइप, डेट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग टेक्निक कई और नामों से भी जानी जाती है, जो कि है एक्सीडेंटल, मैन इन द स्ट्रीट, हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग। द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच सैम्पल इज सेलेक्टेड दैट इज क्लोज एट हैंड, कन्वीनियंट, इजी टू रीच एक्सेट्रा। इस सैम्पलिंग टेक्निक में रिसर्चर वो सैम्पल सेलेक्ट करता है जो रिसर्चर के करीब तरीन हो, या वो लोग जिनके पास आराम या आसानी से पहुँचा जा सकता है। एग्जाम्पल, हम सब ने देखा होगा मॉल्स में अलग अलग कंपनीज को पैम्फलेट्स बांटते हुए और वहाँ पे आए हुए लोगों से सवाल पूछते हुए, ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग ही होती है। या फिर हम कोई गूगल फॉर्म बना के अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर देते हैं और सिर्फ उनका डाटा ले लेते हैं, ये भी कन्वीनियंस की ही एग्जांपल है। ये मेथड इनिशियल स्टेजेस पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मेथड बाकी मेथड्स के मुकाबले में तेज़ है। इसमें फ़ौरन हमें रिजल्ट का पता चल जाता है। इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। इसमें कोई लंबा तरीका फॉलो नहीं करना पड़ता सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम इस एरिया के लोगों को लेना चाहते हैं, या मेल और फीमेल का रेशो ये होना चाहिए, या फिर इस एज के लोगों को सिलेक्ट करेंगे, बस जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह है, सिवाय इसके कि इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होती। इट डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू टू ग्रुप्स एंड देन सेलेक्ट द सैंपल फ्रॉम दैट ग्रुप्स। कोटा सैंपलिंग में हम स्ट्रेटिफाइड सैंपल की तरह पहले पॉपुलेशन का स्ट्रेटास, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कोटा, बनाते हैं और फिर उन बनाए हुए स्ट्रेटास में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इसकी भी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह दो टाइप्स हैं। पहली प्रोपोर्शनल कोटा सैंपलिंग, जिसे कंट्रोल कोटा सैंपलिंग भी कहते हैं। दूसरी नॉन प्रोपोर्शनल कोटा सैम्पलिंग, जैसे अनकंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल कोटा सैम्पलिंग, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पलिंग अ पोर्शन अमाउंट ऑफ ईच। नॉन प्रोपोर्शनल कोटा सैम्पलिंग, द सेम पोर्शंस ऑफ इंडिविजुअल एज द एंटायर पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू नोन कैरेक्टरिस्टिक्स। मिसाल के तौर पर शॉपिंग मॉल में रिसर्चर लोगों की प्रेफरेंसेस देखना चाहते हैं, बट हमें पहले से पता है प्रीवियस स्टडी या जो डाटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग 70% फीमेल्स की पॉपुलेशन है शॉपिंग में, तो अगर हम 70% के अकॉर्डिंग अपना फीमेल्स का सैंपल लें, यानी 70% फीमेल्स और 30% मेल्स, तो ये प्रोपोर्शनल सैंपलिंग होगी। और अगर अपनी मर्जी से 40-60 या 50-50 का मेल और फीमेल से सैंपल लें, तो ये डिसप्रोपोर्शनल सैंपलिंग होगी। Purposive sampling, it is the sampling technique that selects the people with the characteristics in need to the researcher. इसको judgmental sampling भी कहा जाता है। मसलन हम देखना चाहते हैं 6-20 साल के उम्र के सर्बल पालसी की, यानी CP के बच्चों की frequency, यानी तादाद किसी भी एक सिटी में, ताकि हम पूरे कंट्री में उसका रिजल्ट predict कर सकें, तो हम सिर्फ उन बच्चों के पास जाएंगे जिन्हें CP हो, या उन्हीं हॉस्पिटल्स या स्कूल्स में जाएंगे जिनमें CP चिल्ड्रन ट्रीटमेंट या एजुकेशन के लिए जाते हैं। अब उनमें से सिर्फ वो बच्चे जो 6-20 साल के होंगे उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर लास्ट टाइप, विच इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन इट फर्स्ट सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाइज अदर पार्टिसिपेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी। इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्नोबॉल की तरह एक छोटे से गोले से स्टार्ट होकर और स्नो को अपने ऊपर लपेटती हुई बड़ी बनती चली जाती है। इसी तरह इस सैम्पलिंग में भी हम एक पर्सन जिसमें रिसर्चर जो करेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रहा हो उसका पता लगाते हैं, और वो फिर हमें एक या दो या और लोगों का पता बताता है,
और वो एक या दो लोग और लोगों का। इस तरह सैंपल बढ़ता चला जाता है। इस सैंपलिंग में एक पार्टिसिपेंट के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिन तक पहुंचना आसान नहीं, यानी कि जो हार्ड टू रीच हों। मिसाल के तौर पर हम मालूम करना चाहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के बारे में, तो अगर हम एक ऐसे इमिग्रेंट का पता लगा लें तो वो हमें दूसरे इमिग्रेंट्स का बता सकता है। इसी तरह अगर हम बेघर लोगों का रेशो लेना चाहते हैं तो अगर हम एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाएँ तो वो हमें दूसरे लोगों का बता सकता है कि वो कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा ड्रग एब्यूजर्स यानी मंशियात इस्तेमाल करने वालों का पता लगाया जा सकता है और इलीट क्लब के मेंबर्स का डेटा भी इसी तरह से ले सकते हैं। That's it for this video. I hope you guys liked this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe. And yes, if you have any query and suggestion, you can comment down below. Jazakallah. Khuda Hafiz.